विकासखंड क्षेत्र में धान क्रय केंद्र न होने से किसान परेशान, जिला अधिकारी को भेजा ज्ञापन। आज किसान उस वक्त आंदोलन पर उतारू हो गए जब विकासखंड भगतपुर टांडा में धान की उपज बेचने हेतु सरकारी धान क्रय केंद्र किसानों को न मिल सका। किसान नेता और समाजवादी पार्टी के पूर्व जेल विजिटर मोहम्मद इदरीस ने किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु खंड विकास अधिकारी भगतपुर टांडा के माध्यम से एक ज्ञापन जिला अधिकारी को भेजा, जिसमें किसानों की उपज को खरीदने हेतु सरकारी कम क्रय केंद्र हैं, 4 क्रय केंद्र और लगवाने की मांग की एवं भुगतान करने की भी मांग की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि गेहूं की बुवाई हेतु हर किसान को इस वक्त पैसे की जरूरत है। किसी को फसल बोनी है तो किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है, किंतु मंडी के बिचौलिए औने पौने दामों में धान की कीमत फसल को खरीद रहे हैं, जिसका सरकारी रेट 1868 रुपए है। मजबूर होकर कृषक मात्र 1100 या 1200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेच रहे हैं और सरकारी धान क्रय केंद्र कम होने के कारण गरीब मजलूम किसानों को अपनी उपज सस्ते दामों पर बेचनी पड़ रही है। खंड विकास अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही जिला अधिकारी को समस्याओं से अवगत कराकर निदान कराने की कोशिश की जाएगी। इस अवसर पर आंदोलनकारियों ने तत्काल मांगे न मानने पर जिला मुख्यालय पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस अवसर पर अनेक किसान मुजाहिर हसन, भूरा हाजी, वाजिद हुसैन, इरशाद चौधरी, अतीक अहमद, नफीस पाशा, लईक अहमद, समाज सेवी शफीक अहमद, मेराज अली, मोहम्मद तैयब आदि उपस्थित रहे। किस मांगों लेकर तुमने ज्ञापन दिया? ये हमने जो है धान क्रय केंद्र लगवाने के लिए विकासखंड भगतपुर टांडा में दिया है, क्योंकि सरकार के जो धान का जो सरकारी रेट है वह 1868 रुपए है, जबकि मुझे लग रहा है कि किसी कृषक, शायद कोई ब्लॉक के अंदर जो है कृषक ऐसा होगा जिसने के क्रय केंद्र पर धान दिया होगा, क्योंकि क्रय केंद्र अगर कुछ लगे हैं, एक दो बता रहे हैं कि लगे हैं, हमारी अभी वीडियो सबसे बात हुई है, मगर ऐसा लग रहा है कि उन क्रय केंद्र का हमें पता भी नहीं है कि क्रय केंद्र कहाँ लगे हैं। इसलिए मैंने जो है 3 बिंदुओं की मांग रखी है वीडियो साहब के सामने, जिलाधिकारी महोदय के लिए मैंने जो है ज्ञापन दिया है, जिस पर मेरी मांग है कि हमारे विकासखंड भगतपुर टांडा में 4 क्रय केंद्र और लगाए जाएं, जिससे कृषकों का जो है धान खरीदा जाए, क्योंकि कृषक मजबूर होकर, एक तो वैसे ही किसान पहले से ही नुकसान में चल रहा है और किसान ने जो धान बेच रहा है वो 1200 रुपये 1100 रुपये क्विंटल मजबूर होकर बेच रहा है। किसान की आज जो थी ये धान पर ही थी, धान की खेती भी कम हुई है और उसके बाद भी जो बचा है वो मजबूर होकर बेच रहा है। सरकारी अगर जगह खुल जाएगा तो किसान को इसका लाभ हो जाएगा। पिछली सरकारों ने इस तरह से कभी नहीं करा, क्योंकि मैं देखता हूँ कई एजेंसी यहाँ पर जो है कांटे लगाती थी। आज जो धान क्रय केंद्र लगने थे वो नहीं लगे हैं, सरकार बिल्कुल किसानों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं ये समझता हूँ कि कृषक ये अन्नदाता है और किसान जो है पूरे देश को उसको चलाता है, क्योंकि किसान जो है एक रीढ़ की हड्डी है हमारे देश की। मैं ये मांग करता हूँ कि किसानों पर सरकार विशेष ध्यान रखे और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकारी क्रय केंद्र यहाँ बढ़ाए जाएँ, जिससे कृषकों को और हमारे जो मजदूर और जो लोग हैं उनको फायदा हो सके और कृषक, उन्हें बड़ी आज से अपने धान की फसल पानी थी, जिस पर जो है उनकी फसल आज आई है, तो उनकी फसल लेने के लिए कोई सरकार की योजना नहीं है और सरकार यहाँ केंद्र लगाए और धान खरीदे, यही मैं चाहता हूँ, यही मैंने मांग यहाँ रखी है। ठीक।